आइए सुनते हैं एक कहानी ब्राह्मण और ठग की। एक गांव में मनोहर नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था और लोग आए दिन उसे अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देने आते रहते थे। एक दिन ब्राह्मण राजा रघुराज जी के यहाँ से भोजन करके आ रहा था। लौटते समय राजा ने ब्राह्मण को एक घोड़ा उपहार में दिया, जिससे ब्राह्मण रोजाना उस पर बैठकर सैर कर सके। ब्राह्मण घोड़े को घर की ओर ले जा रहा था। रास्ते में तीन ठगों ने ब्राह्मण और उसके घोड़े को देख लिया और ब्राह्मण को लूटने का पूरा षड्यंत्र रच लिया। वे ठग थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो पहला ठग जोर जोर से हंसने लगा। ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा तो ठग ने कहा, महाराज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देवता गधे को लेकर जा रहे हैं। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और ठग को भला बुरा कहते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। ठग ने गंभीर स्वर में पूछा, ए ब्राह्मण महाराज, इस गधे को कितने में खरीदा है आपने? या कोई आपको उपहार दे दिया है? ब्राह्मण उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और ठग से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, यह घोड़ा है गधा नहीं। ठग ने कहा, महाराज शायद आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है घोड़े की जगह गधा देकर। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और सोचता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर ही उसे तीसरा ठग दिखाई देता है। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, महाराज आप इस गधे को कहाँ छोड़ने जा रहे हो? बताइए, मैं ही इसे छोड़ देता हूँ। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, भले मानस, यह गधा नहीं घोड़ा है। ठग ने जोर देकर कहा, ए ब्राह्मण महाराज, लगता है किसी ने आपके साथ छल किया है और यह गधा दे दिया आपको। ब्राह्मण ने सोचा कि रास्ते में जो भी मिल रहा है सब एक ही बात कह रहे हैं। तब उसने ठग से कहा, यह गधा मैं तुम्हें दान करता हूँ, तुम ही इसे रख लो। ठग ने ब्राह्मण की बात सुनी और घोड़े को लेकर अपने साथियों के पास चला गया। फिर तीनों ठगों ने बाजार में उस घोड़े को बेचकर अच्छी कमाई की और ब्राह्मण महाराज ने उनकी बात मानकर अपना ही नुकसान कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ठग और ब्राह्मण की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जल्दी किसी पे भरोसा ना करें। ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।